डीवीडी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत बा। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों का डीवीडी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फिलहाल टेंशन अगर आपको है किसी तरह की तो उसको छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है, सुनिए, समझिए और फिर याद करिए। हाँ, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, पर बस इतना है कि थोड़ा सा आप लोगों को हंसाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं किंगडम फंगी के बारे में। दिस किंगडम इज द बेटर नोन एज द किंगडम ऑफ द मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स। इसको अच्छी तरीके से इस तरह से जानते हैं कि किंगडम ऑफ द मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स। किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है? किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जो जीव आते हैं, जो भी डिकम्पोजर्स आते हैं, विघटन करने वाले जो जीव आते हैं, वो सबके सब मल्टीसेलुलर होते हैं। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ही सारे के सारे होते हैं, मतलब ज़्यादातर इनमें जो जीव आते हैं, इनमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। तो और आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। इट कंटेन नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर स्पोर प्रोड्यूसिंग इकोराइटिक फॉर्म्स। दरअसल क्या होता है कि ये अपने अंदर नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर स्पोर प्रोड्यूसिंग इकोराइटिक फॉर्म रखते हैं। नॉन क्लोरोफिलस का मतलब होता है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग, इस तरह से स्पोर निकलते हैं इनके अंदर से, ठीक है। अच्छा, इकोराइटिक फॉर्म होते हैं। इकोराइटिक फॉर्म्स का मतलब हो गया इकोराइटिक सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा, किंगडम फंगी के कुछ यहाँ पर विशेष तरह के करैक्टर्स हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो करैक्टर है, इकोराइटिक मोस्टली मल्टीसेलुलर फॉर्म। ज़्यादातर इकोराइटिक्स होते हैं इसके, वो मल्टीसेलुलर फॉर्म होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, ईस्ट को छोड़ करके। तो ईस्ट इज ऑनली द एक्सेप्शन। बेचेज यूनिसेलुलर, जो कि एक यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेल का मतलब एक कोशिकीय होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट कंटेन द चिटिन। इसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है लेकिन इसके ऊपर चिटिन भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्लोरोफिल इज स्ट्रैक्टली द एबसेंट। क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल इज स्ट्रैक्टली एबसेंट। स्ट्रैक्टली एबसेंट इसलिए कहा जाता है, क्लोरोफिल नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, कोई संभावना नहीं बनती कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाए जाए। हैंस ऑल द फंगी आर द हेटरोट्रॉफिक। इसलिए सारी की सारी जितनी भी तरह की फंगस हैं, फंगी हैं, वो सब के सब हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से खाना ये लेते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर। ये अपना खाना मरे हुए, फड़े हुए, गले हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट्स। इसलिए ज़्यादातर इनमें फिर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब ऐसे जो जीव गली हुई सड़ी हुई चीज़ों से जो अपना भोजन लेते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सम फॉर्म आर द पैरासाइटिक। कुछ इसमें ऐसे पैरासाइटिक भी हैं जो दूसरे के बॉडी पर, जीवित प्राणी के बॉडी पर रह करके अपना खाना प्राप्त करते हैं। सम फंगी कैन फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ इनमें ऐसे फंगी ऐसी हैं कैन फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर आपको समझाया जाए तो इस तरह से होता है कि दो जीव आपस में जुड़ जाते हैं एक रिलेशनशिप के तहत। दोनों जब जुड़ते हैं तो दोनों के एक दूसरे से क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब दोनों के एक दूसरे से फायदा होता है। तो इस तरह के एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाते हैं। तो फंगी का ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एल्गी का साइनोबैक्टीरिया। तो फचेन एसोसिएशन इज कॉल्ड द लाइकेन। अब इस तरह का जो जुड़ाव है वो लाइकेन कहलाता है। लाइकेन में भी प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। तो लाइकेन आखिर मतलब मौजूद कहाँ होता है, ये बार्क ऑफ द ट्री मतलब पौधे की छाल पर ये मौजूद होता है। और ऑन द रॉक एज स्मॉल येलो ब्राउन पैचेस। और ये चट्टानों पे भी पाया जाता है, किसके रूप में, येलो ब्राउन पैचेस के रूप में। पैचेस माने होते हैं धब्बे के रूप में, ये चट्टानों पर भी पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा किंगडम जो फंगी के जीव हैं कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते। ज़्यादातर वो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नमी हो, जहाँ चीज़ें सड़ती हों, गलती हों, वहाँ पर ये जीव पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हमें दो टर्म के बारे में हमने जाना, नए टर्म्स थे यहाँ पर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन था और लाइकेन था। लाइकेन एक तरह से रिलेशनशिप है,
एक संबंध है किसके बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में। एल्गी और फंगी जब आपस में जुड़ जाते हैं तब क्या बनता है, लाइकेन बनता है। उनके इस रिलेशनशिप को लाइकेन कहते हैं। और ये किस तरह का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसे बोला जाता है, सिम्बायोसिस बोला जाता है। इसके अंतर्गत ये दोनों ही एक जीव एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं और एक दूसरे के जीवन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे किंगडम फंगी के बारे में। अभी थोड़ा बहुत और भी है जिसे हम पढ़ेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंतर्गत। मैं मेरे साथ नए टर्म हमारे जो जब हम पढ़ रहे थे किंगडम फंगी के बारे में तो यहाँ पर जुड़ गए थे। तो सबसे पहला था चिटिन, सिम्बायोसिस या कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी जिसको बोलते हैं। तो ये न्यू टर्म थे कुछ जो शायद आप लोगों की समझ में ना आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एक था लाइकेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं चिटिन के बारे में। चिटिन क्या होता है, एक फाइबरस सब्सटेंस होता है, कंसिस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स। एक फाइबर से बना हुआ पदार्थ होता है जिसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स, कंसिस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड, जिसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स भी पाए जाते हैं, विच इज मेजर कॉन्स्टिट्यूट इन द एक्सोस्केलेटन, जो कि एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूट अवयव है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है अवयव है, किसका, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाह्य कंकाल। अब किसका बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन होता है, एंड द सेल वॉल ऑफ द फंगी। और फंगी जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है बाहर जो पाई जाती है सेल वॉल फंगस के ऊपर, उसके ऊपर भी ये पाया जाता है, क्या, चिटिन। तो समझ आएगा चिटिन क्या, एक फाइबरस सब्सटेंस होता है, कंसिस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड, जिसके अंदर पॉलीसेक्राइड भी पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। तो सिम्बायोसिस के बारे में क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। सिम्बायोसिस इज एनी टाइप ऑफ द क्लोज एंड द लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिसमें दो जीव जुड़ जाते हैं आपस में, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन करते हैं। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि वो दो जीव जब आपस में जुड़ेंगे तो एक दूसरे से या तो खाना वगैरह कुछ शेयर करेंगे या फिर अपना हैबिटेट शेयर करेंगे, तो ये बायोलॉजिकल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, हैबिटेट शेयर करना, खाना पीना शेयर करना, एक दूसरे का प्रोटेक्शन करना, तो ये सब बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में आ जाता है। तो इनके दो जीवों के बीच में एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बनता है, उसी को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो अब ये बायोलॉजिकल जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग दो जीवों के बीच में होता है, ऐसा नहीं होता है कि सेम प्रकार के जीव या सेम ही टाइप के बीच, सेम टाइप के बीच मतलब जीव आपस में नहीं जुड़ते। इसमें दो अलग अलग प्रकार के जीव आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में फिर एक दूसरे के साथ में अपना हैबिटेट शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपना खाना शेयर करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पैरासाइट्स। अब इनके एग्जाम्पल, सॉरी इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एक तो होता है म्यूचुअलिस्टिक, इसी का एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, और एक होता है कमेंसलिस्टिक, ये भी आपका सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस एसोसिएशन कहलाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। और दूसरा आपका पैरासाइटिक, पैरासाइट जो ऐसे बॉडी में जुड़ जाते, पैरासाइट के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ाई है कि दूसरे के फरी से खाना निकालते रहते हैं। तो ये भी जो पैरासाइट का बॉडी से किसी दूसरे जीव की बॉडी पर जुड़ जाना, दूसरे जीव की बॉडी पर पैरासाइट का रहने लगना, ये भी एक जो रिलेशनशिप होती है बायोलॉजी में, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। लाइकेन के बात करें तो लाइकेन भी इसी प्रकार का एक रिलेशनशिप है। तो लाइकेन आर द कंपोज्ड ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज, जैसे आपको बताया लाइकेन आपका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। तो ये दो लाइकेन भी जो होता है वो दो अलग अलग जीवों से मिलकर के बना होता है, बट दे फंक्शन एज द वन, लेकिन वो दोनों आपस में जुड़ने के बाद में एक की तरह फंक्शन करते हैं, एक जीव की तरह कार्य करते हैं। दे कंजिस्ट ऑफ द फंगस अब एंड द एल्गी। तो फंगस और जो एल्गी का रिलेशनशिप है, किसका रिलेशनशिप, फंगस का और एल्गी का जो रिलेशनशिप है वो लाइकेन कहलाता है। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, जब फंगस और एल्गी आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप को लाइकेन कहते हैं। लिविंग टूगेदर इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो फंगस और जो एल्गी है वो फास साथ रहते हैं, किसमें, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। वेयर द फंगस इज द डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर फंगस जो होता है वो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म होता है। डोमिनेंट मतलब मुख्य जो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम पहचानते हैं लाइकेन को, वो आपका फंगस होता है, और आपका जो पीछे छुपा रहता है वो होता है आपका एल्गी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये थ्री न्यू टर्म जो थे
किंगडम फंगी को पढ़ते समय जो हमें मिले उनके बारे में आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है, और आपको इनको लर्न भी करना है, समझना भी है, ठीक है। और बचे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है जो कि किंगडम फंगी से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको जरा हम पढ़ें। तो क्या है, तो सबसे पहले तो ये है, द बॉडी ऑफ द फंगी इज फिलामेंटस। बॉडी जो होती है फंगस की वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब हो गया आपका रेशेदार होती है, जैसे कि आपने देखा होगा धागा देखा है, तो धागे के अंदर जो रेशा निकलते हैं पतले पतले, जो धागे के अंदर रुआ निकलते हैं लंबे लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, तो उनको फिलामेंट कहते हैं। तो इनकी बॉडी उन्हीं फिलामेंट से बनी होती है, तो इसलिए इनको हम कह देते हैं द बॉडी ऑफ द फंगी फिलामेंटस एंड इट इज कॉल्ड द माइसेलियम, और इसको माइसेलियम नाम से भी बुलाते हैं। दूसरा, द इंडिविजुअल फिलामेंट। इंडिविजुअल का मतलब हो गया हर एक, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। द इंडिविजुअल फिलामेंट आर कॉल्ड द हाइफे, तो उसे हम हर एक जो फिलामेंट है उसे हाइफे कहते हैं। हाइफे का आपका प्लूरल वर्ड है, किसका, हाइफा का, तो इसका सिंगुलर वर्ड बनता है आपका हाइफा, ठीक है। तो अब आगे आता है आपका, रिप्रोडक्शन इज बोथ द सेक्सुअल एज वेल एज द एसेक्सुअल। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है, अथवा इनके अंदर एसेक्सुअल भी होता है। मतलब सीधी सी बात है कि सेक्सुअल तो होता ही है, एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपने नए जीव को जन्म देते हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हमारे पास है एस्पेरिगिलस, दूसरा है हमारे पास पेंसिलियम, तीसरा है हमारे पास एगेरिकस, और चौथा है हमारे पास में ईस्ट है, म्यूकोर है, और तथा रिजोपस है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, जितने थोड़ा अभी ज़रूरी थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं।